हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। आज इस हम वीडियो में जानेंगे कि भाई कंट्रोल वाल्व होता क्या है, कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। आज खासकर कंट्रोल वाल्व के हम पार्ट्स ही आज इसमें जानने वाले हैं, तो कंट्रोल वाल्व की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो कंट्रोल वाल्व एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है जो किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ठीक है, हमारी कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें कंट्रोल वाल्व की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें प्रोसेस लाइन होती है, उसमें हमें कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अगर कंट्रोल वाल्व की बात करें तो ये कई सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं इसके प्रकार के जो होते हैं वो आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो मैं अभी इसमें बस आपको पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। और हम एयर एक्शन की बात की जाए तो कंट्रोल वाल्व दो टाइप से होते हैं, एयर टू ओपन, एयर टू क्लोज। ठीक है, तो ये हमारी दो एयर एक्शन होती है किसी भी कंट्रोल वाल्व में, ये हमारा नॉर्मली चीज़ है। और बात करें हम मोशन की, तो कंट्रोल वाल्व में दो मोशन होती है। ठीक है, एक लीनियरिटी मोशन और एक रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो ये दो मोशन कंट्रोल वाल्व में होती है, ये किसी भी कंट्रोल वाल्व किसी भी इंडस्ट्री में सेम चीज़ें होती हैं। अब बात कर रहे थे हम कंट्रोल वाल्व के बारे में, तो कंट्रोल वाल्व इंडस्ट्री में लगाया जाता है, जो कि प्रोसेस लाइन में लगाते हैं कहीं भी। हम देखो फ्लो के लिए भी लगा सकते हैं, लेवल के लिए भी लगाते हैं, टेम्परेचर के लिए भी लगाते हैं, उससे टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेवल भी कंट्रोल किया जाता है और प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। मतलब जैसे हमारे प्रोसेस पैरामीटर होते हैं चारों, तो चारों प्रकार के भी कंट्रोल वाल्व भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, उसमें कई सारी एक्सेसरीज होती हैं, पोजिशनर होता है हमारा, FR होता है, बूस्टर रिले होती है, वॉल्यूम बूस्टर होती है, लॉकअप रिले होता है, तो कई सारी चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, तो आज हम उसके अंदर के पार्ट के बारे में जानने वाले, अंदर से कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो और ये आपको कंट्रोल वाल्व के बारे में अच्छे अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास कंट्रोल वाल्व है, अंदर आप उसमें देख सकते हो, तो इस प्रकार से कंट्रोल वाल्व दिखता है। कंट्रोल वाल्व मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, एक्चुएटर, योक, बॉडी। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो उसमें स्टेम होता है, ठीक है, अपना डायफ्राम होता है, एक्चुएटर की बात करें तो स्प्रिंग होती है उसी में, पोजिशनर के अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिले होता है उसी में, प्रेशर गेज होते हैं उसी में साथ में। ठीक है, योक में हमारा स्टेम वगैरह आ जाता है, उसमें हमारा कपलिंग आ जाता है। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें देखो आप देख सकते हो उसमें अंदर कंट्रोल वाल्व में इस टाइप से देखो कैसा होता है अंदर से, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा सबसे ऊपर से बात करें तो हम पहले आप देख सकते हो ऊपर से, ये हमारा एक्चुएटर है और एक्चुएटर में ये हमारा डायफ्रेम है। ठीक है, और एक एक्चुएटर स्प्रिंग लगी है, ये स्प्रिंग क्या करती है, वापस से इसको अपनी पोजीशन में ला देती है। तो ये एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व है। ठीक है, जब से एयर फेल होगी तो हमारा ये कंट्रोल वाल्व क्लोज ओपन हो जाएगा, सॉरी एयर टू ओपन, सॉरी एयर टू क्लोज है, मतलब एयर होगी तभी ये क्लोज होगा, अगर एयर फेल होती है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखो एयर सप्लाई देते हैं और यहाँ से सिग्नल देखेंगे 0.2 से लेके 1 केजी का। ठीक है, ये बीच में यहाँ सिग्नल आता है और आउटपुट यहाँ से जाता है, ये देखिए। और ये गेज भी लगा रखे हमने, इस गेज में हम पता चल जाता है कि भाई कितना सिग्नल दिया और कितना आउटपुट जा रहा है, वो हमारे डायरेक्ट एक्चुएटर में जाता है और एक्चुएटर से सीधा हमारा स्टेम पे पड़ता है और स्टेम फिर हमारा बॉडी पे जाता है, फिर बॉडी से वो करता है। यहाँ पे ये ब्लॉक है जो कि स्टेम और जो हमारे एक्चुएटर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा ये ब्लॉक होता है, फीडबैक लिंक होती है हमारी, स्केल होती है साथ में, ये स्टेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अंदर से ये दिखता है, ये बॉडी का हिस्सा आ गया। हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये नीचे आपको दिख सकता है बॉडी है, ये इसका बॉडी है। ठीक है, और ये इसका सीट होता है यहाँ पे, ये इनलेट आउटलेट आपको डायरेक्शन दिख रहा है, प्लग ये आपको दिख रहा है एरो बना के यहाँ से ऐसे करके, ये प्लग है, ये सीट है ये नीचे वाली। ठीक है, ये पूरा इस टाइप से अंदर से ऐसे होता है बॉडी में। ठीक है, तो एयर टू क्लोज मतलब फेलियर ओपन, अगर एयर क्लोज होती है तो ये हमारा ओपन हो जाएगा कंट्रोल वाल्व। तो ये एयर टू ओपन है, इसकी एयर एक्शन जो है, और एयर टू क्लोज है, और एयर टू ओपन होता है तो नीचे से हम इसकी ट्यूब लेते हैं, मतलब ये ऊपर से दे रहे हैं एक्चुएटर में, हम उसको फिर नीचे से देते हैं, तो इसलिए एयर टू क्लोज है, तो अगर एयर टू ओपन होता है नीचे से देते। तो अंदर जो रिले में जो इसका पोजिशनर होता है, उस पोजिशनर में जो रिले होती है इस टाइप से होती है, देखो पोजिशनर में रिले होता है, पायलट पिन होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है, और ये हमारा बेलोज लगा होता है, ये सिग्नल आता है 0.2 से लेकर 1 केजी का, ये सबसे पहले बेलोज में आता है, फिर इसके बाद हमारा फ्लैपर नोजल लगा होता है, और ये हमारा कैम होता है, और ये कैम से हमारा एक फीडबैक लिंक कनेक्ट होता है, ये तो ये हमारा फीडबैक देता है कंट्रोलर इतना ओपन हुआ कितना क्लोज हुआ, तो उसी हिसाब से हमारा पोजिशनर काम करता है। ठीक है, इसमें भी अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं।
तो ये एक डायग्राम है जो कि उसके माध्यम से समझाएं, ये इसका कंट्रोल चार्ट है, ठीक है, चार्ट है, तो कर्व है इसका, देख सकते हो फ्लो रेट वगैरह इसका, यहाँ से आप अंदर की चीज़ें देख सकते हो आराम से। इस वीडियो में आपको अंदर की चीज़ देखने को मिली है तो काफ़ी शानदार है। अगर ये फिज़िकल में देखें तो हमें इस टाइप से हमारा दिखता है, ये स्टेम और ये फीडबैक लिंक जुड़ी हुई है, ठीक है, ये हमारा एक कंट्रोल वाल्व है, तो ये स्टेम होता है इस टाइप से और ये कपलिंग हो रही है यहाँ पे, ये स्टेम और हमारा एक्चुएटर से। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल वाल्व को हमने इसमें वॉच किया, देखा अंदर से कैसा होता है, और बाहर से अगर देखने में देख सकते हो आप इस टाइप से कंट्रोल वाल्व होते हैं। और ये कंट्रोल वाल्व कई सारी कंपनीज के आते हैं, हमारे IL का होता है, योकोगावा का भी आता है, ठीक है, फोर्डवेस मार्शल का आता है, हनीवेल का आता है, ये जो कि यमटेक हनीवेल का होता है, ठीक है, कोसो का आता है हमारा कंट्रोल वाल्व। और हमारा वाल्व कंट्रोल वाल्व देखा जाए तो आपको एक मासीवास का भी आता है। तो ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि इस कंपनीज के हमारे पास कंट्रोल वाल्व आते हैं, तो हमें कंट्रोल वाल्व की कंपनियां भी याद रखनी चाहिए। हाँ, ये फ्लो सर्व का है, तो इस टाइप से हमें कंट्रोल वाल्व कंपनी को भी याद रखना चाहिए। तो मैं कंट्रोल वाल्व कंपनी के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो बाकी ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और अगर आप कमेंट चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो, नए वीडियो में, तो इसके लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।